तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान कर दिया। वहीं राजस्थान में कौन होगा सीएम का चेहरा, इससे भी आज पर्दा हटने वाला है। दरअसल आज बीजेपी ने राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक 4 बजे से शुरू होगी। वहीं इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री राजस्थान सहित विनोद तावड़े और सरोज पांडे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बैठक में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। ये सभी पर्यवेक्षक बैठक में किसी सीएम के पद को सौंपा जाए इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद सभी विचार विमर्श के बाद आखिर राजस्थान की बागडोर कौन संभालेगा उसका नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी थी। बीजेपी ने सभी राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। वहीं राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें से बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ 115 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस मात्र 69 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन नतीजा आते ही सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में था वो ये था कि आखिर कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। वहीं इस लिस्ट में वसुंधरा राजे सहित बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन राठौर, दिया कुमारी जैसे नेताओं के नाम शामिल है। हालांकि सीपी जोशी ने अपने बयान में कहा था कि वो सीएम के दावेदारी वाले लिस्ट में शामिल नहीं है। सीपी जोशी का कहना है कि पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नाम का ऐलान किया जाएगा। साथ ही सर्वसम्मति से सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि बैठक में नेता चुनने के बाद इसका निर्णय आला कमान लेंगे और सभी नेताओं की इसमें सहमति होगी। शाम तक नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं हूँ। वहीं बीजेपी नेता और विधायक जोगेश्वर गर्ग ने बयान देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में एकजुटता है और हमेशा रहेगी। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है, सभी को अपने अपने अधिकार के लिए मांग करना चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा और ये फैसला सब मानेंगे, और जो इसे नहीं मानता वो अपराधी माना जाएगा। हम सभी लोग साथ हैं और हमेशा ही साथ रहेंगे। वहीं कई विधायकों का कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह चौंका देने वाला हो सकता है। आपको बता दें कि एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। एमपी में कई बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम पद सौंपा है। वहीं छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को दी गई है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद राजस्थान में बीजेपी सीएम पद के दावेदार के नाम से भी सभी को चौंका सके।